नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं बच्चों आपके लिए लाई हूँ कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी के लिए हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स, ताकि उनको पढ़कर आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर सको। बीएड के जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए, और अन्य सभी जो विद्यार्थी हैं जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, उनके लिए, और जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए मैं भारतीय इतिहास के कुछ टॉपिक्स लेकर आई हूँ। इनको पढ़कर आप लाभान्वित होंगे, और आप सभी बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप मेरे वीडियो को ध्यान से सुने, देखें और शॉर्ट नोट्स इनके बना लें। देखो बच्चों, रीट 2020 आगामी दिनों में होने वाली है। हो सकता है जनवरी में या फरवरी में जो है रीट परीक्षा का आयोजन हो सकता है, इसलिए आप अभी से तैयारी करने लग जाइए। और जो बच्चे जिनके सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान है, उन बच्चों के जो सब्जेक्ट का पेपर है उसमें आपके पहला टॉपिक है बच्चों सिंधु घाटी की सभ्यता। बाकी की वीडियोस में मैं आपको रीट सिलेबस के बारे में भी बताऊंगी, और आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके से आपको पढ़ाती रहूं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालते जाए, और जो चीज समझ में नहीं आए उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो बच्चों, आज का टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो रीट 2020 की तैयारी में फायदेमंद होगा। तो देखो, सिंधु घाटी की सभ्यता, देखो बच्चों, बात अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की करें तो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है सिंधु घाटी की सभ्यता। आप सब जानते हैं बच्चों कि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में मेसोपोटामिया की सभ्यता है, सुमेरिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, ये प्राचीन सभ्यताएं मानी जाती है। और विश्व की इन पांच प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता, इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर सिंधु नदी बहती थी, और सिंधु नदी के नाम से ही इस के आसपास जिस सभ्यता का विकास हुआ उसी को नाम दिया बच्चों सिंधु घाटी की सभ्यता। देखो बच्चों, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसकी सबसे पहली जो खोज की वो 1920 और 21 में 1920 और 21 में आपके दयाराम साहनी ने सबसे पहले इसकी खोज की। माधो स्वरूप वत्स, इन दोनों ने मिलकर सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की, और जिस स्थल को खोजा उसे सिंधु का तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है। सिंधु का तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है, और इसने सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान की खोज की थी, इसीलिए इन्हें हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इस सभ्यता को जाना जाता है बच्चों। उसके बाद 1922 में राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहन जोदड़ो नामक टीले की खोज की। मोहन जोदड़ो, जिसे हम मुर्दों का टीला भी कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, मुर्दों का टीला भी कहते हैं, इस स्थान की खोज की राखल दास बनर्जी ने। तो बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र हुए हड़प्पा और मोहन जोदड़ो। हड़प्पा और मोहन जोदड़ो बच्चों वर्तमान में दोनों ही पाकिस्तान में है। कहाँ पर है हड़प्पा और मोहन जोदड़ो, दोनों ही कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। लेकिन धीरे 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 करके सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक केंद्र भी खोजे गए, जैसे लोथल, सुतकागेडोर, आलमगीरपुर, दायमाबाद, अनेक स्थानों को धीरे 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 करके खोजा गया। इसके अलावा बनावाली है, राखीगढ़ी है, कालीबंगा है,
अनेक स्थानों को खोजा गया और पता लगाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो देखो बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। देखो बच्चों, दक्षिण में, उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दायमाबाद तक था, दायमाबाद महाराष्ट्र में। पश्चिम में सुतकागे डोर से, उत्पूरव में आलमगीरपुर तक इसका विस्तार था। किसका? सिंधु घाटी की सभ्यता का। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, पश्चिम में सुतकागे डोर और आपका पूर्व में आलमगीरपुर तक इसका विस्तार माना जाता है। किसका? आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता का। उत्तर में मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में, आलमगीरपुर पड़ता है यूपी में और आपका सुतकागे डोर पड़ता है पाकिस्तान में। तो यहाँ पर इन स्थानों पर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पाया गया है और अनेक स्थानों के उत्खनन से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिले हैं, जिससे कई विशेषताएं सामने निकल करके आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कैसी सभ्यता थी, किस प्रकार की सभ्यता थी, ये हम उत्खनन के माध्यम से पता करते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली खोज जो की वो 1920 और 21 में दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स ने की। 1922 में राकरदास बनर्जी ने मोहन जोदड़ो नामक स्थान की खोज की। इसके बाद आपके कालीबंगा है, सुतकागे डोर है, लोथल है, बनावाली है, राखीगढ़ी है, धोलावीरा है, कई ऐसे स्थान हैं, बालाथल है, कई ऐसे स्थानों की खोज की गई जिससे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। तो इन प्रमाणों के आधार पर हम सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताओं के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता थी, पहली बात। सिंधु घाटी की सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की, ठीक है। दोनों ही वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है बच्चों, ठीक है। अब बात आती है कि इसका विस्तार, तो उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर से दक्षिण में दायमाबाद तक महाराष्ट्र तक, पश्चिम में सुतकागे डोर से पूर्व में आलमगीरपुर तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार माना जाता है। अब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या तत्व मौजूद थे। तो देखिए बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के अवशेष हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते। जितने भी बर्तन हैं, हथियार हैं, औजार हैं, सब कांसे से निर्मित होते थे, इसीलिए सिंधु घाटी की सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता, आप सब जानते हो बच्चों, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। बड़े बड़े स्नानागार, सभा भवन, नालियां, मुख्य आयताकार सड़कें, लकड़ी से निर्मित नालियां, ये सब एक सुव्यवस्थित नगरीय व्यवस्था का प्रमाण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं बच्चों। इसीलिए सिंधु घाटी की सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहते हैं, जबकि ऋग्वेदिक सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, उस समय के लोग, जो वहाँ का जो रहन सहन था, खान पान था, वो एक नगरीय होने का प्रमाण हमारे सामने प्रस्तुत करता है।
तो नगरीय सभ्यता थी। व्यापार और वाणिज्य, विदेशों में भी व्यापार किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विदेशों में भी व्यापार करते थे। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे, केवल आपको विशेषताएं समझनी है। उसके बाद है तीक्ष्ण हथियार बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो नुकीले हथियार बनाया करते थे। जीवन के प्रति समष्टिवादी दृष्टिकोण, समृद्धशाली दृष्टिकोण रखते थे। आपने देखा बड़े बड़े स्नानागार, सभा भवन, स्टेडियम, ये सब होना सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की समग्रता, समृद्धता को प्रकट करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक समृद्धवादी दृष्टिकोण रखते थे। बड़े बड़े स्नानागार, सभा भवन का होना, विदेशों में व्यापार करना, ये सब क्या थी, उनकी समष्टिवादी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। तो जीवन के प्रति समष्टिवादी इनका दृष्टिकोण था। स्नानागार देखो बच्चों, मोहन जोदड़ो से सबसे बड़ा स्नानागार मिला है, जिससे इसके नगरीय होने का प्रमाण मिलता है। तो सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पर मिला है, ये क्वेश्चन कई बार रीट में पूछा गया है कि मोहन जोदड़ो से कौन सबसे बड़ा स्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो आपका आंसर होगा बच्चों मोहन जोदड़ो। तो मोहन जोदड़ो से सबसे बड़ा स्नानागार के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है बच्चों सभा भवन। सभा भवन जहाँ पर राजा की सभा होती थी, सबसे बड़ा सभा भवन के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है नगर नियोजन। देखो बच्चों, नगर की जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि वहाँ नगर नियोजित थे। वो कैसे, एक दूसरे को काटती हुई वहाँ पर क्या थी, सड़कें थी। वहाँ पर पूरा जो नगर था वो दो खंडों में विभाजित होता था। पहला खंड को पश्चिमी भाग और दूसरा होता था पूर्वी भाग। दो खंडों में जो है विभाजित किया जाता था। किसको, नगर को। नगर को दो खंडों में विभाजित किया जाता था। पहला खंड था आपका कौन सा, पहला खंड था आपका पश्चिमी और दूसरा था पूर्वी। पश्चिमी जो भाग था वो ऊपरी भाग होता था, जबकि पूर्वी भाग जो होता था वो निचला भाग हुआ करता था। तो जो ऊपरी भाग था वहाँ राजा व राजा से संबंधित जो भी उच्च वर्ग के अधिकारी थे वो यहाँ पर रहा करते थे, जबकि अदुर्गीकृत इलाके में सामान्य जनता निवास करती थी बच्चों। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थल ऐसे हैं जहां पर केवल दुर्गीकृत इलाका ही मिला है, वो है आपका कालीबंगा। कालीबंगा में जो दोनों इलाके मिले हैं बच्चों वो दुर्गीकृत मिले हैं। इसके अलावा धोलावीरा में जो आपका नगर है वो तीन खंडों में विभाजित है। तो कई अपवाद भी है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में दो भाग मिले हैं, दुर्गीकृत और अदुर्गीकृत। कालीबंगा से दोनों भाग दुर्गीकृत है, जबकि धोलावीरा नामक स्थान पर तीन खंडों में विभाजित नगर के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को काटती हुई मिली है। पूरा शहर जो था वो आयताकार खंडों में विभाजित था। आयताकार खंड में जो विभाजित था इसी को हम ग्रिड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, कि सड़कों का निर्माण ग्रिड पद्धति के आधार पर करते थे। कौन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो क्या करते थे, ग्रिड पद्धति के आधार पर सड़कों का निर्माण किया करते थे। समस्त शहर को आयताकार खंडों में विभाजित किया जाता था। देखो बच्चों, आप सबको ये भी पता होना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के परिवहन का मुख्य साधन था बैलगाड़ी। बैलगाड़ी के माध्यम से ही आवागमन किया जाता था। तो परिवहन का साधन कौन था, बैलगाड़ी थी। मुख्य द्वार, देखो बच्चों,
एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखना कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो शांति प्रिय थे, क्यों थे, ऐसा किस आधार पर हम मान सकते हैं, तो ध्यान रखना बच्चों कि जो उनका मकान होता था और मकान का जो मुख्य द्वार हुआ करता था, मुख्य द्वार गली की ओर निकलता था, न कि मुख्य सड़क की ओर। तो इससे साबित होता है कि शांति को पसंद करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे और उनके जो मकान थे उनके मुख्य द्वार गली की तरफ खुलते थे। उसके बाद कालीबंगा से अलंकृत फर्श के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। कई स्थानों पर जो है अलंकृत फर्श के प्रमाण मिले हैं और सबसे ज्यादा अलंकृत फर्श का प्रमाण मिला है कालीबंगा, जो कि हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बच्चों? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। इस सभ्यता के बारे में भी हम आगे की अलंकृत फर्श जो है कालीबंगा से हमें अलंकृत फर्श के प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद आता है जो आपकी ईंटें थी, ईंटों की जो शेप थी वो चार अवस्थाओं में हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। वो क्या? आयताकार, कुछ ईंटें आयताकार होती थी, कुछ ईंटें एल आकृति में होती थी, कुछ ईंटें टी आकृति की होती थी और कुछ ईंटें वक्राकार आकृति में। यहाँ पर ईंटों के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद लकड़ी से निर्मित नालियों के अवशेष मिले हैं, लकड़ी से निर्मित नाली के अवशेष मिले हैं, जो पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग साफ सफाई पर ध्यान देते थे और यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता माना जाता है, नगर नियोजन की एक सुव्यवस्थित सभ्यता माना जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता को। फिर आता है गेहूं जौ मटर के अवशेष मिले हैं, कपड़े के अवशेष मिले हैं, तो पता चलता है कि सबसे पहले कपास बोना उसके बाद आता है आपका सरसों। सरसों का सबसे पहला प्रमाण भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिलता है। हल का खिलौना, हल हुआ करते थे, हलों से खेती किया करते थे, जुते हुए खेत के प्रमाण हमें मिलते हैं कालीबंगा से। हल का खिलौना के प्रमाण मिलते हैं हमें बना वाली हरियाणा से। तो इससे पता चलता है बच्चों हल का प्रयोग किया करते थे, नगर नियोजित सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब हम आगे के वीडियोस में बच्चों किस स्थल से कौन कौन से प्रमाण मिले हैं इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे मेरा वीडियो ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और जो बोर्ड पर लिखा है उसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। रीट की तैयारी आज से ही आप स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आगामी 2021 में रीट होने वाली है और सामाजिक विज्ञान के जो टॉपिक्स हैं वो सारे मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। तो आप चाहते हैं मैं आपको रीट एग्जाम की तैयारी करवाऊं तो आप मेरे वीडियो को लाइक्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स दें ताकि मैं आप आगे भी आपके लिए इसी तरह वीडियो बनाती रहूं। तो रीट की तैयारी वाले बच्चे मेरे वीडियो को देखें, सुने और समझें। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्रों के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। धन्यवाद।